अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। 3 मीडियम प्याज को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट करके डाल दी। अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा मोटा भी डाल सकते हैं। गुलाबी होने तक प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही प्याज गुलाबी होने लगे अब हम इसमें काजू डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। कुछ लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। 2 से 3 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक हिस्सों में कट करके डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। सभी को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, साथ ही साथ टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और सभी को तब तक भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे। जैसे ही पकने लगे और हमारे टमाटर सॉफ्ट होने लगे गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच पानी डाल के बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे। तरह पीसने के बाद इसे एक साइड में रख देंगे। पनीर को बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम सबसे पहले पनीर में 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। मसाले डालने के बाद पनीर को हल्के हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने छोड़ देंगे। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। बर्तन में हमने मसाला तैयार किए थे, उस बर्तन में हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और मैरिनेट किए हुए पनीर को आहिस्ते आहिस्ते डालते जाएंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पनीर को फ्राई किया, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी पनीर को डाल सकते हैं। पनीर को अगर आप फ्राई करते हैं तो उसका ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पनीर को फ्राई किया। जैसे ही फ्राई होने लगे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम पनीर को साइड में रख देंगे और उसी तेल में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा तड़कने लगे लाल मिर्ची का पाउडर डाल के उसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि लाल मिर्च जल रही है तो पानी डाल के भून सकते हैं। अच्छी तरह लाल मिर्ची के पाउडर को भूनने के बाद हम पेस्ट डाल देंगे हमने जो बनाए थे और उसे भी अच्छी तरह उबाल आने तक पका लेंगे। जैसे ही उबाल आ जाए अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ किचन किंग मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। बाद हम उसे चेक कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल ऊपर आने लगे अब हम उसमें मटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास फ्रेश मटर है आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मटर को 80% तक अच्छे से गला लेंगे। जैसे ही मटर गलने लगे और तेल ऊपर आने लगे अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर डाल के दोबारा मिक्स करेंगे और इसे 5 से 10 मिनट ढक्कन ढक के पका लेंगे। से ही हमारा मसाला पकने लगे और तेल ऊपर आने लगे अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। भी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के 1 उबाल आने तक पका लेंगे। जैसे ही 1 उबाल आने लगे उसका ढक्कन निकाल के चेक कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बन के तैयार हो गया है। पनीर को अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो एक बर्तन में मटर पनीर को निकाल लेंगे, आपको जितना चाहे निकाल ले और उसे बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर दे। तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। इसे बटर नान, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और इसके फीडबैक मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम आईडी पे आप शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।